भारतीय मरुस्थल। हमने कक्षा 8वीं में भारत में थार का मरुस्थल पाठ पढ़ा। उसके आधार पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि आपको जैसलमेर के किसी गांव में एक साल के लिए भेज दिया जाए तो आप अपने इलाके से क्या क्या फर्क कर पाएंगे और क्यों। संसाधन और अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं कि थार के मरुस्थल में जीवन यापन बहुत जटिल रहा है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण की प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का विशाल मरुस्थल संसार के सभी मरुस्थलों में सबसे सघन आबादी का क्षेत्र है। यहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे जैसे बंधेज, लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई और रंगाई, आभूषणों पर मीनाकारी, पत्थरों की नक्काशी आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ का पारंपरिक कुटीर उद्योग आज कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। मारवाड़ और गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के लोग सदियों से व्यापार के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन बसर करते हैं। राजस्थान का थार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ का ऊन कालीन उद्योग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बीकानेर एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। यद्यपि थार एक मरुस्थल है और यहाँ वन नहीं है, खेजड़ी यहाँ का एक प्रमुख वृक्ष है जो मानव और जानवर दोनों के लिए उपयोगी है। इसके पत्ते यहाँ के पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक हरा चारा प्रदान करते हैं। इसकी लकड़ी भवन निर्माण, कृषि, ऊंट गाड़ी आदि के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा खेजड़ी की जड़ भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण में बहुत सहायक है। खेजड़ी के अलावा रोहिड़ा भी एक उपयोगी वृक्ष है जो चारे के अलावा मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखता है। इसका इस्तेमाल कृषि वानिकी के संदर्भ में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए किया जाता है। रोहिड़ा फर्नीचर के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके तने की छाल में औषधीय गुण हैं। राजस्थान नहर। राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। यह नहर भारत की वृहत परियोजनाओं में से एक है। यह नहर सुल्तानपुर की हरिके बैराज से शुरू होती है। इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद श्री गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा खेती होने लगी है। नहर बनने का इतिहास। सन 1899 से 1900 में इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने इस सूखा पीड़ित अंचल में सतलज के जल से सिंचाई की परियोजना बनाई। गंगा सिंह ने गंगानगर जिले की स्थापना की। भारत की आज़ादी के बाद फिर एक बार खुदाई का काम शुरू हुआ। सन 1985 में इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। इस नहर से पंजाब एवं हरियाणा को भी जल मिलता है। राजस्थान के रेतीले क्षेत्र यथा बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर एवं गंगानगर में इस नहर से जल की आपूर्ति होती है। इस नहर की वजह से इस मरु प्रदेश में कृषि का विस्तार हुआ। थार में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट, जैसलमेर व जोधपुर में चूना पत्थर, बीकानेर में जिप्सम, बाड़मेर में ग्रेनाइट, जैसलमेर बीकानेर में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। क्या आप जानते हैं कि विश्व के वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना ताजमहल नागौर के मकराना से प्राप्त सफ़ेद संगमरमर से बना है। जोधपुर अपने बलुआ पत्थर और जालौर ग्रेनाइट के लिए मशहूर है। जैसलमेर और बाड़मेर में मिला खनिज तेल पिछले 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी खोज है। तेल, गैस और पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की अभूतपूर्व संभावनाओं के कारण राजस्थान में आर्थिक विकास की दिशा और दशा में अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद है। राजस्थान और विशेषकर थार पर्यटन के लिए विदेशी सैलानियों में काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण यहाँ आतिथ्य सत्कार से जुड़े होटल और परिवहन उद्योग के विकास को काफ़ी बल मिला है। थार मरुस्थल का एक गांव। भारत के भौतिक विभागों में थार का मरुस्थल भी प्रमुख प्राकृतिक विभागों में से एक है। आइए
इस प्रमुख प्राकृतिक विभाग को समझने के लिए थार के मरुस्थल के एक गांव का अध्ययन करने का प्रयास करें। राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास लूणार एक गांव है। रतन सिंह की ढाली यानी टोला एक छोटा सा टोला है। यहाँ छोटे छोटे घर बसे हैं, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क होती है। यह एक गर्म मरुस्थल है। पहले यहाँ छोटे छोटे कच्चे घर थे, परंतु अब वर्तमान में पक्के मकान भी बन गए हैं। यहाँ आजीविका के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। घास की कमी के कारण लोगों को 10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है।